आज का लेक्चर है ऑन पेज एसईओ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि आपके जो HTML5 है, HTML5 में जितने भी आपके टैग्स आते हैं, जैसे फर्स्ट 30-40 टैग्स होते हैं जिसमें आपके सारी कनेक्शन आ जाता है, इमेज का आ जाता है, इमेज की एसईओ कैसे होती है, आपकी वेबसाइट में एसईओ कैसे करते हैं, ऑन पेज की रैंकिंग कैसे होती है, सब कुछ, ये सब कुछ आपके HTML में आता है। आज हम स्टार्ट करेंगे HTML। HTML का सबसे पहला टैग होता है HTML स्टार्टअप का, ये एरो लगाते हैं, आप HTML स्टार्ट किया और क्लोज कर देंगे तो ये HTML आपका स्टार्ट हो गया। इसका मतलब है कि इसके अंदर आपका जो भी काम हो रहा है वो सारा HTML के अंदर हो रहा है काम। HTML के बाद सेकंड स्टेप जो आता है वो होता है टाइटल आपका होगा, जो वेबसाइट का टाइटल होता है। टाइटल में क्या होता है कि टाइटल आपने हमेशा वही रखना है जो आपका वर्क हो रहा है, जैसे दराज है तो दराज में आपने टाइटल दराज.pk रखा है, जैसे आप लोग की वेबसाइट है ग्राफिक डिजाइन तो आप उसका जो टाइटल रखोगे ग्राफिक डिजाइन रखोगे। इससे क्या होता है कि आपकी जो अंदर वर्किंग है वो शो हो रही है आपके टाइटल से, कि जो आपका टाइटल आ रहा ग्राफिक डिजाइनर आ रहा है या आपकी वेब डेवलपमेंट आ रही है, जो भी हो रहा है उसका आपका टाइटल सही होगा तो आपकी वेबसाइट रैंक होगी हमेशा। अगर आप लोगों का टाइटल सही नहीं होगा या कोई वेबसाइट आपको देता है रैंक करने के लिए कि मेरी वेबसाइट SEO करें, तो आप उसको सबसे पहले चेक करेंगे टाइटल कि उसने टाइटल उस मुताबिक दिया जो उसकी वेबसाइट है या नहीं। उसके बाद हेड आता है, हर वेबसाइट का हेड लाजमी होता है और हेड में हम उसकी स्टाइलिंग करते हैं, जैसे आपकी स्टाइल होता है आपकी इमेज का कलर चेंज करना और आपके डिफरेंट टिप लगा के क्लासेस चेंज करना होते हैं, ये सारी आपकी SEO में आती है। हर टैग स्टार्ट करने के बाद क्लोज करना लास्ट में होता है, अगर आप लोग टैग क्लोज नहीं करोगे तो आप लोगों की वर्किंग होगी नहीं उस टैग की। जैसे आप लोगों ने टाइटल टैग स्टार्ट किया है तो उसको आप क्लोज कैसे करोगे, आपने उसमें एक स्लैश लगा देनी है, ये स्लैश लगाओगे तो आपका जो आप लोगों का जो काम है आप लोगों का जो टैग स्टार्ट हुआ वो क्लोज हो जाएगा, उसमें वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। हेड के बाद आता है बॉडी। अब आपकी जो भी वर्किंग होगी जैसे हेडिंग आएगी, पैराग्राफ आएगा और भी जो टैग्स आप लोगों के एसईओ के रिलेटेड जिसमें आपके लिंक्स आते हैं, मेटा लिंक्स आते हैं, ये सारा आप लोगों की वर्किंग बॉडी के अंदर होती है। बॉडी के अंदर एसईओ में सबसे पहला जो आपका टैग होता है ऑन पेज का वो होता है हेडिंग का। हेडिंग टोटल 6 टाइप्स की होती हैं, H6 तक, H1 से लेकर H1 जो होती है उसका साइज जो आपका हेडिंग होती है उसका साइज आपका H1 में 8 होता है, 8 के फिर ऑनवर्ड जैसे H2 हो गया तो 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ऐसा ही स्लो होते जाएंगे टैग्स। जैसे H1 आ गया, H1 के तो हम चेक करेंगे कि हमारा जो हेडिंग है परफॉर्म हुई है कि नहीं। हमने बॉडी जैसे स्टार्ट किया उसे क्लोज भी करना है वर्किंग चेक करने के लिए। उसके बाद हमने HTML जो है HTML भी हमने क्लोज कर देना है। अब हम वर्किंग चेक करते हैं, कंट्रोल एस करेंगे, जो हमने इसकी फाइल बनाई है उस पर हम इसकी वर्किंग चेक करेंगे वर्क हुआ कि नहीं। ये हमने वर्क लिखा था तो ये हेडिंग आपको शो हो गई है। इसका साइज हेडिंग का हमेशा हेडिंग के लिहाज से होता है, लेकिन इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, जो हम अगले लेक्चर में चेक करें कि हम चेंज कैसे करें, कलर कैसे चेंज करें, ये सब चीज़ें बताया काम हम लेक्चर में करेंगे। अब तक के लिए इतना ही।